हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है कुछ कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम, गाजर, स्नेक बीन, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। अभी हम एक फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा व्हाइट ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा लहसुन और ग्रीन चिल्ली को फ्राई करेंगे। उसके बाद एक एक करके सब सब्जियों को ऐड करेंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। फिर से सब्जियों को मिला लेंगे और ढक के पकाएंगे जब तक हमारी सब्जी अच्छे से बॉयल ना हो जाए। और जब सब्जी हमारा कुक हो जाए उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें विनेगर, सोया सॉस और टोमेटो केचप, केचप ना हो तो टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस, आप कुछ भी सॉस इसमें मिला सकते हो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। और फिर थोड़ा सा इसमें शक्कर ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, और थोड़ा सा अजीनामोटो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। और लास्ट में कैप्सिकम को डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब फिर से एक बार सभी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाना होने के बाद हम थोड़ा सा इसको ढक के पका लेंगे। दोस्तों ये आप चाहो तो इसमें आपकी पसंदीदा सब्जी दे सकते हो, जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कुछ भी आपको जो जो चीज़ पसंद है वो ही सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो स्प्रिंग रोल के लिए हमारा सब्जी जब ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। और फिर मेयोनीज को अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक मैदा का डो लिया है, ये दोस्तों आप प्लेन मैदा के साथ और पानी के साथ एक डो बना सकते हो टाइट करके, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो उसमें एक पेड़ा मैंने काट लिया है और वही पेड़े को मैं एक रोटी का शेप में बेल रही हूँ। तो रोटी बनाना हो गया है, अभी इसके अंदर हम वही स्प्रिंग रोल का स्टफिंग डालेंगे। और ये मैं थोड़ा सा बॉईल किया हुआ चिकन डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो नहीं डाल सकते हो। और ये है थोड़ा सा चीज़, चीज़ डालने के बाद ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब इसको आप फ्राई करोगे और फिर अंदर से जब चीज़ निकलेगा तो ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ डाल रही हूँ। और ये दोनों तरफ से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, उसके बाद फिर से ये दोनों तरफ से जैसे खुला हुआ है उसका आप बंद कर सकते हो। और ये बंद करने के थोड़ा सा पानी भी आप दे के इसको बंद कर सकते हो, पर मैंने तो ऐसे ही बंद कर दिया और ये बंद भी अच्छे से हो गया है। और एक रोटी बेल के मैं इसको दिखा रही हूँ इसमें स्टफिंग डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा बॉईल किया हुआ चिकन और उसके बाद थोड़ा सा हम चीज़ इसमें ऐड करेंगे और फिर सेम प्रोसेस से हम इसको बंद करेंगे। आप जैसे भी चाहो इसको शेप में डाल के बंद कर सकते हो, जैसे भी शेप आपको पसंद हो, मोमो का शेप भी आप बना सकते हो। फिर हम इसको व्हाइट ऑयल में फ्राई करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैंने इसको शैलो फ्राई किया है और मेरा फ्राई हो गया है। अभी मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ परोस दिया है। तो कैसा लगा दोस्तों आज की रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक रेसिपी के साथ, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए।